तो हाँ जी राम राम मेरे भाई, और कैसे आप सभी लोग, तो स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष एस्थेटिक पे। तो भाई आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये वर्कआउट, ये जो वीडियो है, आज हमारे सीरीज का पार्ट नहीं है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइव हमारी जो बेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है चेस्ट की, तो वो आज हम इसको ट्रेन करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो और बहुत दिनों से कमेंट भी आ रहा था कि भैया टॉप एक्सरसाइज बता दिए चेस्ट की, चेस्ट ग्रोथ के लिए, तो आज वही लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो भाई लगाते हैं चेस्ट का फाइव बेस्ट वर्कआउट। तो भाई हमारी जो पहली वर्कआउट थी वो थी हमारी फ्लैट बेंच प्रेस। फ्लैट बेंच प्रेस हमने लगाया, हमारी जो फाइव टॉप एक्सरसाइज उसमें से पहला हमारा चॉइस फ्लैट बेंच प्रेस है। वो इसलिए क्योंकि मेरे भाई सबसे पहली बात तो ये ट्रेडिशनल वर्कआउट है, आप इसे मैक्सिमम लोड ले सकते हो, अपने फॉर्म सही कर सकते हो, अपनी बॉडी को स्टेबल कर सकते हो। तो फ्लैट बेंच प्रेस हमारा पहला पिक है हमारे टॉप फाइव एक्सरसाइज में से। तो फ्लैट बेंच की प्रेस के बाद अब हम चलते हैं अपने सेकेंड वर्कआउट की तरफ, दिखाते हैं हमारी सेकेंड पिक कौन सी है टॉप फाइव में चेस्ट वर्कआउट में। चलो भाई सेकंड वर्कआउट दिखाते हैं आपको। तो भाई हमारी सेकंड जो पिक है वो है, वो थी हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। आपने देखा हमने कैसे लगाया, ये मेरा सेकंड पिक था चेस्ट वर्कआउट में। वो इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो मेरे भाई कि बहुत से लोगों के अपर चेस्ट जल्दी ग्रो नहीं होते हैं, जो हमारी अपर चेस्ट की होती है विड्थ, वो ग्रो नहीं होती है। और दूसरा, जब हम कॉम्पिटिशन पे होते हैं, जब स्टेज पे होते हैं, जजेस की जो पहली चेस्ट की जो फ्रेम होती है वो इसी पे जाती है, अपर चेस्ट पे ही। थर्ड, हमारी ये यूनिलेटरल एक्सरसाइजेज है। अगर बहुत लोग होते हैं जिनको मसल इम्बैलेंस की इश्यू होती है, मैक्सिमम देखा गया है आपके बाइसेप्स एरिया पे, हैंड्स पे और चेस्ट पे मसल इम्बैलेंस होते हैं, तो यूनिलेटरल एक्सरसाइज है, आप इसको अल्टरनेट कर सकते हो हैंड से। और अगर आप 30 kg का वेट ले रहे हो या फिर 40 kg का डंबल ले रहे हो, तो दोनों पे ही आपके सेम वेट डिस्ट्रीब्यूशन के होने के कारण मसल इम्बैलेंस अगर किसी को है भी तो वो ठीक हो जाना है इससे। तो ये हमारी सेकेंड पिक थी अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन डंबल प्रेस। थर्ड में आपको चलो वर्कआउट दिखाता हूँ कि थर्ड हमारी कौन सी पिक है। तो भाई हमारी तीसरी वर्कआउट जो हमारे टॉप फाइव में है वो है हमारी थी पैक फ्लाई। क्योंकि और आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करता हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो आपके साइड चेस्ट और जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है इनर चेस्ट का, वो बहुत ही अच्छा खासा इसको इससे ट्रेन हो जाता है और आपकी बॉडी भी स्टेबल होती है। तो ये थी हमारी टॉप फाइव पिक में से तीसरी वर्कआउट चेस्ट की। तो अब मैं आपको अपनी फोर्थ एक्सरसाइज दिखाता हूँ, और मेरे भाई जो सीक्वेंस में कर रहा हूँ अब वो सीक्वेंस में भी इस वर्कआउट को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। तो फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं, अपना दिखाते हैं हमारा कि फोर्थ एक्सरसाइज मेरी कौन सी टॉप फाइव में से फेवरेट एक्सरसाइज है। चलो भाई भाई, हमारी फोर्थ जो वर्कआउट थी वो आपने देखा केबल क्रॉसओवर। और मेरे भाई मैं बता दूं, जिस भी मेरे भाई की लोअर चेस्ट वीक है वो इस वर्कआउट को जरूर लगाएं। आप डिफरेंट एंगल्स पे इसको लगा सकते हो, आप
फर्स्ट पे लगाओ सबसे ऊपर, और इसको पूरा जितना डिक्लाइन नीचे से करो तब तो चेस्ट को अप करो, आपका लोअर चेस्ट जो है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा मेरे भाई। तो हमारे फिफ्थ वर्कआउट में, ये हमारी फोर्थ वर्कआउट है, अब मैं आपको अपने लास्ट वर्कआउट दिखाता हूँ जो बहुत ही बेसिक बहुत ही ट्रेडिशनल वर्कआउट है, लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे भाई। और ये वर्कआउट जरूर से आप लोग अपने शेड्यूल में ऐड करना। तो चलिए दिखाते हैं आपको माच की अपनी टॉप फिफ्थ की लास्ट एक्सरसाइज। चलो फोर्थ वर्कआउट थी, हमने फ्रंट फेस करके हमने पैरेलल बार डिप्स लगाया, जो कि आपके लोअर चेस्ट के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। ट्राइसेप्स से भी इसका इफेक्ट जाता है, बट लोअर चेस्ट के लिए बहुत ही बेस्ट है। जब भी आप चेस्ट के लिए वर्कआउट करो तो आप फ्रंट फेस करो इसको। तो मेरे भाई ये थे हमारी टॉप 5 मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट मेरी चेस्ट की, और आप मेरे भाई इसी सीक्वेंस में आप लगाना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ मेरे भाई, चीज़ों को समझ के पढ़ के मैं आपको आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो ये शेड्यूल आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे कमेंट में आप लोग आइडियाज़ देते रहो मेरे भाई। तो मिलते हैं सबसे अब नेक्स्ट वीडियो पे, और सीरीज़ इसके बाद फिर से आ जाएगी। तो चलिए तब तक के लिए वर्कआउट करते रहिए, अच्छी डाइट लिए। जय हिंद, जय श्री राम।